वहीं दुर्ग लोकसभा के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। दुर्ग जिले के 6 विधानसभा में 1469 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के निरीक्षण के लिए 135 सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें, दुर्ग जिला परिवहन अधिकारी SL लकड़ा ने बताया कि दुर्ग जिले में कुल 270 रूट चार्ट बनाए गए हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा छोटी बड़ी कुल 426 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 270 बड़ी बसें और 156 छोटे वाहन शामिल है। विगत एक महीने से अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू है और 270 रूट चार्ट के लिए गाड़ी की गई है और 135 सेक्टर अधिकारियों के लिए छोटी गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा चुका है और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए GPS सारी गाड़ियों में इंस्टॉल किया गया है और इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्ट्रेट का सभा कक्ष में स्थापित किया गया है, जहां से अपना कंट्रोलिंग किया जाएगा।